नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे आईवी गॉर्ड यानी कि टिंडोरा, उसको हम ऑर्गेनिकली कैसे उगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे गार्डन की ओर, जहां हम सीखेंगे आईवी गॉर्ड को कैसे उगाते हैं। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पे एक बेल है। ये जो बेल है वो आईवी गॉर्ड की बेल है, जिसको हम पिकल और सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका फल मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूं यहां पे। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का अंत और मॉनसून की शुरुआत में इसका पौधा बढ़ने का शुरू कर देता है। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि इसकी बेल है जो मोटी है और नए नए उसके बड्स और डालियां फूटने लगी है, बेल अपना बढ़ावा करने लगा है। तो दोस्तों चलते हैं आगे इस प्रोसेस के अंदर। आपको क्या करना है कि इसकी जो जड़े है, जड़ों वाला भाग ढूंढ लेना है बेल का, और उसके आसपास दंताली या कुछ ऐसा नुकीला हथियार हो आपके पास काटने का और खोदने का, उससे आपको उसके आसपास की ज़मीन साफ कर लेनी है और जड़ों वाला भाग बाहर निकला है ऐसा ट्राई करना है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने एक बेल अंदर से निकाल ली है जो अभी अभी मोटी होने का स्टार्ट हुई थी, उसके ऊपर नई डाली भी फूटने लगी थी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते कि उसके अंदर से जड़ें निकलना शुरू हो गई थी। दोस्तों ये एक ऐसी डाली थी जिसके अंदर से ज़मीन के अंदर पकड़ बनाने के लिए जड़ें निकली हुई थी। ऐसी दूसरी डाली भी आप अंदर से ढूंढ सकते हैं और उसको भी जड़ों के साथ या जड़ों के बिना भी डाली आप काट सकते हैं। ये दूसरी डाली भी मैंने वहाँ से निकाल ली है, इसके अंदर भी आप लंबी लंबी जड़ें देख सकते हैं। अब तीसरी वाली डाली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ली है, तो उसको हम यहाँ से काट लेते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं है पर फिर भी हम उसे काट लेते हैं। ये देखिए कितनी लंबी उसकी जड़ें अंदर तक चली गई थी। अब दोस्तों हमें आगे क्या करना है कि आगे हमें 1x1 फीट का 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा खोद लेना है। उसकी मिट्टी को हमें वहीं तोड़ के डाल देना है गड्ढे में वापस, हमें उस मिट्टी को साइड पे नहीं रखना है। उसी मिट्टी के अंदर हमें इसकी बेल को लगाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अंदर कंकर पत्थर हो तो उसको भी निकाल रहा हूँ, मिट्टी को पूरी तरह अलग थलग कर रहा हूँ, आप भी वैसे कीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो बेल है, बेल के सूखे भाग को हमें तोड़ लेना है और उसकी नई बड्स है डाली है उसको हमें रखना है। और यहाँ देख सकते कि जलेबी की आकार का मैंने इसको मोड़ के उसको यहाँ लगाया हुआ है। उसके ऊपर अब मैं मिट्टी डाल रहा हूँ और इसको हल्के से दबाना नहीं है, बस इसके ऊपर यूं ही मिट्टी डाल देनी है और उसकी जो डाली है उसको हमें बाहर रखना है। अब ये हम बड़ी वाली डाली ले रहे हैं, उसको भी हमें क्या करना है कि अच्छी तरह जलेबी की तरह गोल गोल उसको हमें मोड़ लेना है और जड़ों वाला भाग उसके बीच में आए उस तरह से हमें मोड़ना है और उसको जड़ों वाला भाग जो है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इस गोलाकार बेलों को हमें यहाँ ऐसे रख देना है और उसकी जो जड़ है उसको मिट्टी के अंदर दबा देना है और उसके ऊपर मिट्टी हल्के से डाल देनी है। हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है पर बेल दब जाए
और बर्ड्स जो नई फूटेगी और नई डालियाँ जो उसके अंदर से फूटेगी उसको बाहर निकलने का मौका मिलता रहे। यह मिट्टी डालने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उसके बाद हमें इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। पानी को इसलिए देना है कि जब इसके बाद जब पानी छिड़कने के बाद बारिश आएगी तो इसके अंदर से नई बर्ड्स फूटने लगेगी। पानी इतना छिड़कना है कि आसपास की ज़मीन के अंदर आवश्यक भेज हो जाए जो दूसरे 5 से 6 दिन तक चले। और जब बारिश शुरू हो जाएगी पहली बारिश तभी इसके अंदर से नए बर्ड्स फूटने लगेंगे और नई नई डालियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर से नई बेल को चढ़ाने के लिए हमें कोई सहारा भी आसपास रख सकते हैं। मैंने यहाँ इसके पास पेड़ रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अब 1 वीक के बाद इसके अंदर से नई बर्ड्स फूटने लगी है और नई डाली उसके अंदर से निकल चुकी है। हाँ, देख सकते हैं आप, फ्रेश डाली वही जगह है। और बस अब हमें कुछ नहीं करना, बारिश के साथ इसके सब्ज़ी का मज़ा लेना है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से याद रखें और उसके पास जो घंटी है उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी एक भी अपडेट चूक न जाए। हम हमारे इस चैनल पर तरह तरह के पेड़ फल पौधे सब्जियां ऑर्गेनिकली उगाना सिखाते रहे।